सेकेंड वाले में ठीक डायग्राम बना रहे सेकंड वाले में ये देखो इसमें लिखा है कि इनिशियली स्प्रिंग रिलैक्स है और M1 को रेस्ट पे छोड़ रहे हो और मैंने M1 कम टू द रेस्ट फॉर अ मोमेंट। मान लेते हैं कि ये कुछ वाई डिस्टेंस नीचे जाने के बाद मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा सर। लैग हो गया। यस सर। हेलो M2 वाला तो राइज करेगा या नहीं करेगा, सिंपल से बात सोच के देखो। डायग्राम पर ये नीचे फ्लोर से अटैच है बाय द स्प्रिंग, नहीं इन एक्सटेंसिबल स्प्रिंग है, फ्लोर से अटैच है, यानी कि M2 तो परमानेंटली रेस्ट करेगा, जो सिर्फ M1 ही मूव करेगा वाई डिस्टेंस नीचे, और अगर ये वाई मूव करेगा तो ये स्प्रिंग कुछ एलोंगेट करेगी। ये कितना करेगी अगर कंस्ट्रेंट रिलेशन रखा तो यहाँ पर बोलो वाई अगर ये जाता है तो इधर इधर एलोंगेशन कितना होगा, वाई बाय टू। पक्का वाई बाई टू या फिर 2y? ये सर 2y, टेंशन कम है तो आप ज्यादा। यस सर, मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रेंट से अगर ये y नीचे जाएगा तो ये y बाई टू नहीं आएगा, इनफैक्ट 2y एलोंगेट कर जाएगा। और मोमेंटली रेस्ट पे है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, M1 वाई डिस्टेंस नीचे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जब लॉस करेंगे तो लिखेंगे M1g into y, लॉस इन दिस पोटेंशियल एनर्जी, और वो स्प्रिंग एनर्जी में स्टोर हो जाएगी ½k into 2y² इससे निकाल सकते हैं y की वैल्यू जो आएगी वो जाएगी M1g/ वैल्यू ऑफ वाई M1g/2 × k। एंड देन स्प्रिंग की फोर्स निकालोगे तो लैग होगी। हेलो। यस सर। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसमें, जब ये वाले स्ट्रिंग कट कर देंगे ना क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये वाले स्ट्रिंग कट करने का मतलब फिर
जब इसको कट करेंगे तो उस टाइम पर यहाँ पर एक M2G की फोर्स लग रही है और यहाँ पर M1G की फोर्स लग रही है, तो इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कितना आएगा? गोली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यस सर, दो ही फोर्स है, एक M1G और एक M2G। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन अपवर्ड ए मान ले तो M1G माइनस M2G बराबर है M2A। न्यूटन लॉ लगा करके एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका आंसर मेरे ख्याल से ए वाला ऑप्शन। यस सर, ठीक है। और कौन सा है देखो, फिफ्थ में क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, इसको जब रिलीज कर रहे थे क्वेश्चन में लिखा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर अपर ब्लॉक इज डिप्रेस्ड डाउन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 mg/k। तो पहली बात तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जब आएगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के टाइम पर स्प्रिंग की कंप्रेशन निकाल सकते हैं mg और स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन होगा उस कंप्रेशन को अगर हम के इंटू एक्स इनिशियल मान लेते हैं इनिशियल कंप्रेशन, तो इससे निकाल सकते हैं कि इनिशियली स्प्रिंग mg/k से कंप्रेस हो, उस इक्विलिब्रियम से फर्दर 5 mg/k इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। दैट मींस कि नॉर्मल लेंथ से अब टोटल कितना कंप्रेशन हो चुका है इसका 5 mg/k फ्रॉम द इक्विलिब्रियम अगर किया जा रहा है 6 mg/k स्प्रिंग की, हाँ यानी कि नाउ कंप्रेशन इसमें टोटल जो कंप्रेशन मिलेगा आपको वो 6 mg/k का होगा। उसके बाद जब इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे क्वेश्चन के हिसाब से यानी कि वेलोसिटी यहाँ जीरो है तो ये कुछ ऊपर बाउंस करेगा और फिर कह रहे हैं कि वेलोसिटी इसकी कितनी होगी जब इस 3m वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू mg के बराबर है, तो उस टाइम पर स्प्रिंग कंप्रेस होनी चाहिए या एलोंगेट करनी चाहिए अगर इस 3m वाले मास पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू m into g के बराबर? एलोंगेट, क्योंकि 3 mg का डाउनवर्ड फोर्स नॉर्मल क्वेश्चन में दिया जा रहा है mg, इसका मतलब नेट 2 mg नीचे लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट 2 mg नीचे लग रहा होगा, तो इसका मतलब स्प्रिंग की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी और स्प्रिंग ऊपर की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी इक्वल्स टू 2 mg ताकि 3m वाला ब्लॉक स्टेशनरी बना रहे। और स्प्रिंग की फोर्स ऊपर लगने का मतलब स्प्रिंग अभी एलोंगेट हो चुकी होगी, और कितने एलोंगेट हो चुकी होगी वो भी निकाल सकते हैं। स्प्रिंग इस टाइम पर 2 mg का फोर्स लगा रही है, इसका मतलब ये पता लगा सकते हो कि स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा, तो एलोंगेशन इन दैट स्प्रिंग विल बी 2 mg/k। आया समझ में आता? यस सर, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास वी वेलोसिटी है, अब आप लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली ये स्प्रिंग कंप्रेस है 6 mg/k से, तो स्प्रिंग की इनिशियल एनर्जी हाफ के इंटू 6 mg/k का स्क्वायर इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी में इस मास m की काइनेटिक एनर्जी प्लस ये मास कितना राइज हुआ होगा ये भी निकाल सकते हैं। 6 mg/k कंप्रेस था और 2 mg/k एलोंगेट होने का मतलब टोटल 8 mg/k का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी mg इनटू 8 mg/k एंड प्लस इस एलोंगेटेड स्प्रिंग की भी एनर्जी होगी वो हाफ k इनटू उसका टोटल एलोंगेशन 2 mg/k का स्क्वायर। वर्किंग देख लो, अगर आप लोगों ने यही वर्किंग की होगी तो मेथड सही है इसका मतलब। बोलो जल्दी 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 बताओ अगर समझ आए तो, क्योंकि कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे। यस सर।
ठीक है सर। अच्छा एक मिनट बताओ, तो इलॉन्गेशन वाला साइड ऑफिस बताओ, इलॉन्गेशन है एलोंगेशन इससे देख रहे हैं यार। एक्चुअली जब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एमजी क्वेश्चन में कह रहे हैं और 3m वाले मास का वेट 3mg है और ये स्टेशनरी ब्लॉक है तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स मेरे को जीरो चाहिए। 3mg और mg नॉर्मल यानी कि 2mg का फोर्स है। अगर आप स्प्रिंग की फोर्स को ना कंसिडर करें तो राइट नाउ इसके ऊपर 2mg का डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है। रेस्ट पे रखने के लिए मुझे 2mg की अपवर्ड फोर्स चाहिए बाय द स्प्रिंग, और इससे पता लगा रहे हैं अगर स्प्रिंग ऊपर कैसा डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो ये इलॉन्गेटेड स्प्रिंग ही लगा सकती है, क्योंकि अगर ये कंप्रेस होती तो इसका फोर्स नीचे लग रहा होता। यस और एफ इक्वल्स टू के एक्स करके हुक्स लॉ लगा करके निकाल सकते हो कितना इलॉन्गेशन लगा होगा इसमें। बाद आते हैं सेवन, सेवेंथ वाले में कह रहे हो कि आप एक स्फेरिकल ग्लास बल्ब डायमीटर डी फिल्ड विथ वाटर, द बल्ब इज व्यूड अलोंग इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर, व्हाट इज द एपरेंट डायमीटर। तो ये तो बड़े ऑर्डिनरी क्वेश्चन हुआ एक तरीके से। देखो इसकी हॉरिजॉन्टल डायमीटर से अगर आप इसको व्यू करते हो तो इसका एपरेंट डायमीटर क्या बनेगा, मतलब अगर हम यहां से व्यू कर रहे हैं बाहर से तो इसके लिए कर सकते हैं ये म्यू 4/3 है, आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर मान लेते हैं 1 और डायमीटर के बिल्कुल एंड पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट ओ मान ले, मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो यहाँ से जब देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की कोई एक इमेज दिखेगी और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेस वाला फॉर्मूला लगाएं, मतलब यहाँ से जो भी रेज निकल के आएंगी वो रेज इस कर्व सर्फेस पर कुछ रिफ्रैक्ट कर जाएंगी, तो रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला लगा जिसका फॉर्मूला था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। क्या रखेंगे हम म्यू टू की वैल्यू इस केस में, लाइट रेज अगर यहां से निकल करके 4/3 वाले से 1 की तरफ जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन वी म्यू वन 4/3 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके पोल से कंसिडर करेंगे तो पोल से ये वाला पॉइंट डायमीटर के डिस्टेंस पर होगा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस डी 1 - 4/3 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस बाय साइन कन्वेंशन माइनस डी बाय 2। इससे निकालिए वी की क्या वैल्यू बनती, वैल्यू ऑफ वी इससे पता लगाओ। जितने भी पॉइंट होंगे वो इस वाले पोल से 3d/2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड पर अपियर होंगे, यहाँ वाले पॉइंट अपियर किए जाएंगे एट 3d/2। तो जब ये वाला पॉइंट यहाँ अपियर होगा तो यही चीज इफेक्टिव डायमीटर कहलाएगी इसकी। इस असाइनमेंट में ना ऑप्टिक्स के बढ़िया क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इस टाइप के पेपर में भी आ चुके हैं, जेई एडवांस में भी ऐसे टिल्टेड वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। 16 मिनट कौन से ये? हाँ ऐसे आते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए 20 सेंटीमीटर प्लेन मिरर रखा है, कंसीडर टू रिफ्लेक्शंस, उसमें पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव से होना है, दूसरा प्लेन मिरर से होना है, और इफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट केप 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इज फॉर्मड एट आई, मैंने यहाँ कहीं पर इमेज बन रही है, चलो वो तो देख लेंगे बाद में। पहला रिफ्लेक्शन आपको मिरर पे लेना है, बनाइए मिरर इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन मिरर इक्वेशन क्या बनेगा, देखो इसमें ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर पर, इक्वेशन ऑफ मिरर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन लगा करके माइनस 20, फटाफट बताएं वी की क्या वैल्यू बनेगी इसमें, माइनस 60। ठीक है, तो वी माइनस 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो रे आएगी वो 60 सेंटीमीटर पर इमेज कंस्ट्रक्ट करेगी, उसका रे डायग्राम में दिखा सकते हो, दैट मींस यहां से कोई रे गई होगी और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पोल से 60 सेंटीमीटर बैक साइड पर, तो इसको थोड़ा डॉटेड एक्सटेंड करते हैं, यहां कहीं पर इमेज बाय द मिरर बनेगी फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाली, यहां से 60 सेंटीमीटर यानी कि प्लेन मिरर से 15 सेंटीमीटर पीछे। नाउ अब प्लेन मिरर के थ्रू इसकी इमेज बनेगी, तो प्लेन मिरर के ये जो आई वन है ये एज ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा फॉर द प्लेन मिरर, तो इस आई वन का प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रही कितना है, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई वन का फ्रॉम दिस प्लेन मिरर पीछे की तरफ है उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरे साइड पर जाकर के फाइनल इमेज बनाऊंगी, मतलब ये लाइट प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ कहीं चली जाएगी और इमेज बनेगी फाइनल वाली आई टू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अभी कितना होगा यार ये 60 बोलो, ये सर लैग कर गया था बीच, आई आवाज यार नहीं आ रही, हेलो ये सर आ रही, ये बताओ कंफर्म करो 15√3/2 सही है ये, यस सर, तो फिर ये डिस्टेंस भी आपका 15√3/2 हुआ जो मिरर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब आप बताओ ये हाइट निकालनी है आपको, ये हाइट कैसे निकालोगे, थोड़ी ज्योमेट्री वगैरह लगाओ, परपेंडिकुलरली 15√3/2 है ये, पर ये हाइट निकालनी है परपेंडिकुलर वाली, और 15√3 cos 30 देख लो ये कुछ sin 30 और ये 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना सिमेट्री से, अगर आप इसको यहाँ मिला देंगे तो ये एंगल में 60 बनेगा, अगर ये 60 डिग्री बन रहा होगा ना तो ये एंगल में 60 डिग्री बन रहा होगा, ये 90 बन रहा, ये 15√3/2 है, तो ये वाली डिस्टेंस निकाली जा सकती है कितनी आएगी, ये वाले डिस्टेंस, ये इनफैक्ट 15 ही आएगा, अगर ये 15 है तो ये भी 15 आएगा, ये डिस्टेंस है ना, ये 15 ये 60 ये 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल, ये 15, तो अब ये वर्टिकल हाइट निकाल सकते हो कितनी आएगी, तो बोलो भगवान सा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बताओ, इंटीजर टाइप हो रहा था मैच भाई, 60 डिग्री ये बनेगा, 60 डिग्री ये बनेगा, ये डिस्टेंस मिरर है तो मिरर से ये डिस्टेंस अगर 15 है तो ये भी 15 आएगी, 15 60 ये 60 ये वाला एंगल, सॉरी ये एंगल 60 आएगा, 30 नहीं आएगा, यस सर
60 आएगा, तो 15 एंड 60, 15 साइन 60, 15 रूट 3 बाई 2 इसका आंसर है, मतलब ये वो वैल्यू ऑफ x है 15 रूट 3 बाई 2, एंड द रेस्ट अब जो भी उसमें से मैच कर रहा है मुझे 17. आ गया उसका इंटीजर नहीं आ रहा, 15 हो गया. 17 क्विकली देखिए, इसमें दो ब्लॉक्स दे रखे हैं और दोनों कनेक्टेड हैं पुली से और मासेस के साथ. तो पहले तो उसका मैकेनिक्स वाला कंसेप्ट लगाइए, इधर 3m, इधर मास m, इधर भी मास m है और इधर की तरफ 2m है, सॉरी. तो ये NLM लगा करके ये तो निकाल सकते हैं कि क्या एक्सेलरेशन आएंगी इनकी, ये 3m और ये m है, तो इसकी एक्सेलरेशन निकाली जा सकती है और एक्सेलरेशन इसकी आ जाएगी 3mg/4m, यानी 3g/4. और इधर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं 2mg/3m, यानी कि 2g/3. इसको लिखें या कर लोगे इसको एक्सेलरेशन वाला पार्ट? कर लीजिए. ठीक, ओके. उसके बाद जो ब्लॉक्स हैं उनमें इधर की तरफ मिरर्स लगा रखे गए हैं, इस साइड पर एक मिरर है और इधर भी एक मिरर है और बीच में ऑब्जेक्ट है. तो एक्सेलरेशन ऑफ टू इमेजेस फॉर्म्ड इन दोज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. चलिए ये बताइए, ये वाला मिरर अगर 3g/4 की एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है मिरर, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इस मिरर में इमेज बनेगी वो कितनी एक्सेलरेशन चलेगी? ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पे है, ये मिरर एक्सेलरेट कर रहा 3g/4 से, इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी जिसको i1 इमेज मान लेते हैं, तो वो i1 इमेज भी एक्सेलरेट करेगी और इसकी एक्सेलरेशन इसके डबल आती है, बिकॉज मिरर वाले कंसेप्ट में प्लेन मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और मिरर मूव करे तो इमेज डबल वेलोसिटी पे चलती है उससे. 3g/4 है, इसका मतलब ये 3g/2 की एक्सेलरेशन चलेगा. सिमिलरली इस वाले में जो i2 इमेज बनेगी उसकी एक्सेलरेशन मिरर से जस्ट डबल आएगी, 2g/3, उसका डबल 4g/3. नाउ 4g/3 और ये 3g/2 इनका रिलेटिव करके बताओ. यस सर, वो कहता है. ठीक है, ओके. यस सर. अब इसमें आपको डाउट नहीं है ना भाई? थोड़ा बोलो यार, क्वेश्चन कराने भाई. नहीं सर, नहीं. चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो. ये एक स्फेरिकल मीडियम है जिसकी इनर रेडियस, इनसाइड वाली रेडियस इसकी जो है वो स्मॉल आर है और आउटसाइड वाली रेडियस कैपिटल आर है, या फिर r2 और r1 कर लेते हैं, इनसाइड रेडियस r1, आउटसाइड रेडियस r2. और अंदर जो मटेरियल है, मतलब r1 रेडियस के अंदर वाले मटेरियल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है. R1 से R2 के बीच में जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और इसके आउटसाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट सोर्स रखा जा रहा है, सेंटर से एट सम डिस्टेंस स्मॉल a मान ले, अ सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट, और साथ में ये दे रखा है कि N1 इज मोर देन N2 इज मोर देन N3. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट सोर्स है इसकी कितनी परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट ऑफ लाइट जो इस पॉइंट सोर्स से एमिट होगी वो आउटसाइड वाले मीडियम में बाहर आएगी. व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स विल कम इनटू द थर्ड मीडियम,
एंट्री आउटसाइड मीडियम एयर, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है क्या करना, मतलब लैंग्वेज क्लियर हुई? यस यस सर। पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगी बट सारी लाइट बाहर जा नहीं सकती है, कुछ अब वो क्यों नहीं जा सकती ये सोचना पहली बात, क्योंकि ऐसा क्यों है कि इस पॉइंट सोर्स की सारी लाइट बाहर के लिए आई, और ये उसकी हिंट है एनवर मोर देन एन टू मोर देन एन थ्री। टी आई आर हो जाएगा, टी आई आर। क्या करें इसमें, तो सोचो थोड़ा सा क्या करना चाहिए। आंसर नहीं पूछे हैं, लॉजिक पूछे, मतलब क्या करना चाहिए, आंसर नहीं पूछे। एग्जाम में भी बैठोगे तो ये तो स्ट्राइक करोगे ना, किसमें करना क्या पड़ेगा। सर पहले सरफेस पे वो एक्सट्रीम केस निकाल ले जिसपे लाइट जो 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ वाले पे। यस सर। ओके हाँ, ये तो बात सही है कि लिमिटिंग केस कंसिडर करना होगा, क्रिटिकल एंगल वाला। लेकिन दोनों सरफेस के लिए देखना है। हाँ भाई, लाइट एन वन से एन टू मीडियम में भी जाए और एन टू से एन थ्री मीडियम में भी तो निकले। देखो इसमें हमारे हिसाब से आप ये करो, हम जो लिमिटिंग केस मानेंगे वो आउटर सरफेस पर मानते हैं, और लॉजिक क्या है वो बता रहे हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि कोई एक रे इस पॉइंट सोर्स से निकली, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू सेंटर लाइन, उस नॉर्मल से जो भी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से उसका रिफ्रैक्शन होगा, वो रिफ्रैक्शन दिखाते हैं, और यहाँ से मान लो वो रिफ्रैक्ट करके यहाँ चली गई, फिर आउटर सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल बनाओगे और वहां से भी रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, और आउटर सरफेस पर हम लिमिटिंग रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं एट 90 डिग्री एंगल। आउटर सरफेस पर हम ये मानते हैं कि रिफ्रैक्शन एट द क्रिटिकल केस है 90 डिग्री एंगल, यानी यहां पर हमारा क्रिटिकल एंगल बन रहा है। ये क्रिटिकल एंगल थीटा थीटा टू मान लेते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल को। यहां पर रिफ्रैक्शन एंगल थीटा वन मान लेते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ अल्फा मान लेते हैं। दिख रहा है तुम लोगों को, फॉन्ट साइज छोटा तो नहीं? Yes, दिख रहा है। हाँ ठीक, यही वो क्रिटिकल केस होगा, बिकॉज इसके अलावा क्या होगा ना, मतलब ये क्योंकि जब यहाँ 90 डिग्री का लिमिटिंग केस मान के चल रहे हो और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल ले रहे हो आउटर सरफेस पर, तो इसका मतलब सेकंड सरफेस पर लाइट एमिट हो रही है बाहर, सेकंड सरफेस पर जो भी लाइट आएंगे वो बाहर निकल के जाएगी। पहले इससे आप कन्विंस हो तो आगे इसका मैथमेटिकल पार्ट बताएं।
मैथ वाला पोर्शन तो बाद में आएगा, लॉजिकल पोर्शन पहले। और इस पॉइंट सोर्स से फर्दर एक लाइन आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, रेडियल लाइन, और ये एंगल कुछ हम मान लेंगे, इस एंगल को बीटा वगैरह मान लेंगे। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि पॉइंट सोर्स से वो सभी रेज, पॉइंट सोर्स से निकलने वाली वो सारी रेज जो बीटा से कम एंगल पर एमिट होंगी, अभी हमने जो रे कंसिडर की है वो पॉइंट सोर्स से एमिट हो रही है जो कि इस हॉरिजेंटल लाइन से, जिसको हम रेफरेंस कह दे रहे हैं, जिसको मैंने रेफरेंस लिखा है, उस रेफरेंस लाइन से बीटा एंगल पर कोई एक रे एमिट हुई है, और इस रे की जो ट्रेजेक्टरी बन रही है उसमें आउटर सरफेस पर वो 90 डिग्री पर एमिट हो रही है, मतलब इमर्जेंस उसका 90 डिग्री पर हुआ है। नाउ अगर इस पॉइंट से उसे मैं कोई दूसरी रे कंसिडर करूं जिसका एमिजन लेस देन बीटा एंगल पर हो, क्या वो आउटर सरफेस पर एमिट होगी या नहीं होगी, ये अब आपको सोचना है। ये हाँ, इसको सोच के देखो आप, यही ये इसका सबसे जो मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ थिंकिंग है वो यही है, जिसका एक बड़ा सीधा सा एविडेंस है, अगर इतना दिमाग काम ना करे तो आप बीटा से लेस एक बड़ा स्पेशल केस है, जीरो डिग्री का एंगल मान लो, लेस देन बीटा इज जीरो डिग्री एंगल। सो अगर इस पॉइंट सोर्स से जीरो डिग्री एंगल पर कोई रे निकले, यानी अलोंग द रेफरेंस लाइन निकले, क्या वो रे बाहर नहीं जाएगी? Yes, sir. ये रे तो नॉर्मल हो गई, इस सरफेस पर नॉर्मल हो गई, तो नॉर्मल रे सीधी निकल जाएगी। इतनी इतनी हिंट बहुत है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि बीटा से कम एंगल पर जितनी भी रेज निकलेंगी वो सब बाहर वाले सरफेस से एमिट कर जाएंगी, बाहर वाले सरफेस से इमर्ज कर जाएंगी। बीटा से ज्यादा एंगल पर अगर यहाँ से कोई रे निकलेगी तो वो सेकंड सरफेस पर जाकर के रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब हमें बीटा सॉल्व करना है। अब बीटा सॉल्व करने सर लैग हो, यस सर बोलो, साइन थीटा तो सही निकला है, नहीं निकला है? यस यस यस। नाउ साइन थीटा वन, थीटा वन कैसे निकालते हैं? मतलब हमारा टारगेट एक्चुअली बीटा निकालने का है, लेकिन अब उसमें फिजिक्स का कोई काम नहीं, थीटा वन निकालना है, तो थीटा वन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सी ये एस इनके कुछ नाम दे दूं, ए बी, ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी कंसिडर करिए, और ट्रायंगल एबीसी में साइन रूल लगाएं, साइन ऑफ थीटा टू डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड जो कि इनर रे हेलो यस सर लैग हो रही है वॉइस? यस सर
वीडियो लाइव हो रहा है। नेट अब सही आ रहा है वैसे यार। अब सही आ रहा है सर। ठीक क्या लिखेंगे अगर सही आ रहा है? ये वाला एंगल साइन 180 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड साइन 180 माइनस थीटा 1 मतलब साइन थीटा 1 अपॉन आर 2। ये बताओ अगर ये स्टेटमेंट दिख रहा है आपको स्क्रीन पर या ब्लर आ रहा है? दिख रहा है। ठीक निकाल सकते हैं इसे साइन थीटा 1 की वैल्यू। यस सर। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू आर 2 बाय आर 1 टाइम्स साइन थीटा 2 व्हिच इज एन 3 अपॉन एन 2। थीटा 1 आ गया तो अल्फा भी आ जाएगा। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट पॉइंट ए पर रिफ्रैक्शन हुआ है तो थीटा 1 निकाल लिया। अब अल्फा निकालने के लिए पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ लगाइए। और स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन अल्फा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी साइन ऑफ अल्फा विल बी एन 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय एन 3 बाय एन 1 सॉरी। चेक कर लो ये भी। बोलते जाया जल्दी सर। साइन थीटा 1 को यहाँ रख सकते हैं। यस सर। साइन थीटा 1 यहाँ रख सकते हैं तो साइन अल्फा आ गया। साइन अल्फा आ जाएगा तो बीटा निकालने के लिए अब आप ट्राइंगल एएससी ले लो। ट्राइंगल एएससी में फिर से साइन रूल लगा दीजिए। ट्राइंगल एएससी बिकॉज अल्फा ये है और साइड एंगल एडजेसेंट एंगल 180 माइनस बीटा होगा। ये डिस्टेंस आपको ए दे रखा है तो अगेन अप्लाइंग साइन रूल इन एएससी साइन बीटा निकाल सकते हैं। जरा करके बताओ साइन बीटा की फाइनल वैल्यू क्या बनेगी? ये सारा वर्किंग करने के बाद फाइनली साइन बीटा क्या बन रहा? एक मिनट कितना ये वैल्यू ऑफ साइन बीटा है। मतलब ये तो आपको मैथ वाला पोर्शन हो गया। प्रैक्टिस करने से क्या होता है थोड़े से आइडियाज मिलते हैं कि साइन रूल भी एक तरीका है निकालने का सिग्नल्स तो है। अब हमें फ्रैक्शन सॉल्व करना है यार कि ये जो सोर्स है इससे फ्रैक्शन भी तो निकालना है आपको। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक और कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं जो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई बार यूज किया हमने उस कंसेप्ट को। वो ये था कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिससे कि रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स निकलती है और ये कहा जाता है कि इससे जो टोटल फ्लक्स एमिट होती है टोटल फ्लक्स इस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जो निकलती है वो गॉस लॉ के हिसाब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होती है टोटल फ्लक्स। और फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करने का एक तरीका ही है। ऐसे में हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज के सामने अगर एक सर्कल रखते हो आप और वो सर्कल पॉइंट चार्ज पर कुछ थीटा एंगल सबटेंड करे यानी कि टोटल 2 थीटा एंगल हाफ एंगल थीटा सबटेंड करे तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कल जिसकी डेरिवेशन की गई थी इनकी एप्लीकेशन बताई गई थी और इसका आंसर आता था क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम ही रिकॉल है ये रिजल्ट? यस सर। यस सर। एंड क्यू बाई एप्सिलॉन इज द टोटल फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज जिसका मतलब क्या हुआ Q by epsilon naught represents total number of electric field lines emitted by the charge and Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta represents the number of electric field lines emitted within angle 2 theta exactly same logic आपको यहाँ भी लगाना है 1 minus cos beta by 2 हो जाएगा fraction। हाँ ये पॉइंट्स जैसे पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से एमिट करता है वैसे हमारा पॉइंट सोर्स रेडियल डायरेक्शंस में रे को एमिट कर रहा है तो रे और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को एनालॉग ले सकते हैं। तो अगर हमारे इस पॉइंट सोर्स के पावर कैपिटल पी हो यानी कि टोटल एनर्जी ये ई एमिट करता हो टोटल एमिटेड एनर्जी ई तो बीटा एंगल इस तरफ एंड सिमेट्री भी तो फॉलो करेंगे। इधर बीटा एंगल बनेगा तो इधर भी बीटा एंगल पर सेम रे डायग्राम बनेगी यानी कि इस पॉइंट सोर्स से टोटल 2 बीटा एंगल पर जितनी भी रेज एमिट होंगी
टोटल नंबर ऑफ रेज एमिटेड बिटवीन द टू बीटा एंगल वो बाहर जा रही है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से कितना हुआ वो, अगर आप इस लॉजिक को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाओ, टोटल का कितना परसेंटेज आपका यहाँ पर निकल रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल, उसमें हाफ इंटू वन माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि अगर इसकी टोटल एनर्जी ई हो तो उसमें हम हाफ और वन माइनस कॉस बीटा मल्टीप्लाई कर दे तो इससे वो एनर्जी मिल जाएगी जो सेकंड मीडियम में एमिट हो रही है। पकड़ पाए इसको लॉजिक को? यस यस यस, एनालॉग कंपेयर करके, बट ये आंसर अभी नहीं है क्योंकि पॉइंट सोर्स की रेज वन एक इसी राइट साइड पे नहीं होगी ना, दूसरे साइड से भी तो एमिशन होगी। इस पॉइंट सोर्स की कुछ रेज ऐसे भी तो निकल के जाएंगी जो इधर रिफ्रैक्ट होंगी और इधर 90 डिग्री पर बाहर निकलेंगी, इधर आएंगी फिर होंगी ऐसे और फिर ऐसे बाहर निकलेंगी। ये तो भी आपने एक साइड का कैलकुलेट किया, दूसरे साइड का तो कैलकुलेट किया नहीं होगी। इसके लिए ए को आर प्लस ए से रिप्लेस करो, एक साइड अब ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता है कि वर्किंग करके कुछ और ही मजे है। मैंने हमने तो आपको एक साइड करके दिखाया कि एक साइड की वर्किंग ऐसी है, दूसरे साइड की वर्किंग में जैसे आप कह रहे हो कि जहां पर ए है उसको हम चेंज कर लें, ऐसा कहा जा रहा है कि ए को हम चेंज कर लें और ए की जगह आर प्लस ए कर लें, हो सकता है इससे आंसर आ जाए। पर इस पर मैं आंसर दूंगा नहीं एक्चुअली, मैं इसलिए मैं क्योंकि वर्किंग एक साइड कराई है, दूसरा साइड आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। मैं फिलहाल इसको इधर बीटा डैश कर दे रहा हूँ, बीटा डैश, हो सकता है बीटा डैश और बीटा बराबर आ जाए, कौन जानता है, ना आए ज्यादा आए कम आए, तो हमें वर्किंग करके मालूम चलेगी। बट तरीका बता दिया आपको, ई बाई टू वन माइनस कॉस बीटा ऑन वन साइड प्लस ई बाई टू एंड वन माइनस कॉस बीटा ऑन द अदर साइड बीटा डैश, ये वो टोटल एनर्जी है जो बाहर निकल के जाएगी। हो सकता है वो जो आपने बोला वो सही है, मैं लेकिन इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि थोड़ा अपनी मेहनत करो भाई, ए की जगह आर प्लस ए करके आंसर आ सकता है। हटाएं इसको सर, नोट कर लिया? हाँ सर, इसमें ये कंडीशन नहीं लगानी थी कि जो अल्फा है वो जो फर्स्ट और सेकंड मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल होगा उससे कम होना चाहिए? वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा अल्फा एंगल की जो बात आप करते हो ना, क्योंकि हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन कंसिडर किया हुआ है, ऑलरेडी रिफ्रैक्शन कंसिडर किया है। तो लॉजिक सही सोच रहे हैं भाई कि हो सकता है कि जो अल्फा एंगल है वही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, बट तब तो ये पूरा रे डायग्राम बनता ही ना हमारा। लेकिन ये तो पहले मान के चलना चाहिए, तो उसमें देखो ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, उसमें फिर ये होगा, अगर वो तब क्लियर होगा, वो चीज आंसर में तब क्लियर हो पाएगी जब हमारे सामने न्यूमेरिकल वैल्यूज, जब न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे तभी हम ये पता लगा पाएंगे कि ये वाला केस बनेगा या नहीं बनेगा। और वो कैसे पता करेंगे, देखिए अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज सामने होंगी और आर टू आर वन एन थ्री एन टू के न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करी जाए, एक काम करता हूँ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ मान के चलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं N3 1 है, सपोज N2 की वैल्यू 1.5 है और N1 की वैल्यू 1.6 मान लीजिए, कुछ ऐसे में मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि जो R1 है, एक सपोज R1
10 सेंटीमीटर है, आर टू मैं रैंडमली वैल्यूज मानता हूँ 20 सेंटीमीटर है, ऐसे ही एक चेक करते हैं जरा साइन थीटा वन की क्या वैल्यू बनेगी। अगर आर टू की वैल्यू 20, आर वन की वैल्यू 10, एन थ्री 1 और एन टू 1.5, क्या बनेगा ये वैल्यू? R2 by R1 हो गया 2, 4 by 3, 4 by 3। अब मैं वह कहना तब अगर हमारे सामने न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तब हमको ये सारे केसेस कंसिडर, अभी क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास सामने है नहीं। तो मैं जैसे अगर जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने सामने रखी है उसके हिसाब से हमारा साइन थीटा 1 4 by 3 आ रहा है, क्या पॉसिबल है कि साइन थीटा और हम यही प्रोसेस को रिपीट कर रहे होते तो जैसे ही आप साइन थीटा को कैलकुलेट करते उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आती, जो कि क्लियरली यहीं पर एक इंडिकेशन दे रहा होता कि यार ये एंगल फिजिबल नहीं है। साइन थीटा 1 मोर देन 1 आने का मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, यानी कि तब हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर ही टी आई आर हो जाएगा। उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी बता रहे हैं। अगर आर वन 10 है और सपोज आर टू की वैल्यू 12 है, एक एग्जांपल लीजिए आर वन 10 आर टू 12, अब देखो साइन थीटा वन कितना आएगा। क्या मतलब 1 से ज्यादा आएगा या 1 से कम आएगा, सिर्फ ये देखना मुझे कि साइन और थीटा 1 1 से कम आ रहा है पक्का ना? R2 by R1 ये सर 1 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा सलूशन सही है। यानी कुल मिलाकर के ये जो भी सलूशन आपके सामने लिया गया है ये पूरा सलूशन तभी वर्कआउट करेगा, ये सलूशन सही तभी माना जाएगा जब ये पूरा टर्म आपका लेस देन 1 चले, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज कुछ ऐसी हों जिसमें कि R2 M3 upon R1 N2 less than 1 चल रहा हो, तब तो ये डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें R2 by R1 N3 by N2 1 से ज्यादा आ रहा है देन उस केस में क्या करोगे? ये पॉइंट समझ पाए कि नहीं यार? यस यस। तो हमने ये मान लिया है कि जो हमारा सजेशन है वो फॉर दिस केस है, मतलब हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो R2 by R1 N3 by N2 1 से छोटा है, उस कंडीशन पर यही सजेशन है। बट अगर कंडीशन ऐसी नहीं होती ये 1 से ज्यादा आ रहा होता तो हमारा केस बदल जाता है, इसका मतलब तब ऐसी कोई रे तब इस टाइप का रे डायग्राम पॉसिबल ही नहीं होता। रिफ्लेक्शन होता ही नहीं तब यहाँ पर टीआईआर हो जाता ना, यही पर टीआईआर हो जाता, मतलब तब बाहर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता फिर कभी। अच्छा तो उस केस में क्या करते हैं आप, उस केस में हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे होते? उस केस में तब हम कुछ ऐसा बनाते हैं रे डायग्राम, देखो तो हम अंदर वाले सरफेस पर एक रे डालते हैं और उसका क्रिटिकल केस लेते हुए यहां से 90 डिग्री पर ले जाते हैं इसको और दूसरे पे नॉर्मल लाइन बना करके सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, और तब हम इसको 90 से कम एंगल पर रिफ्रैक्ट कर देते कोई, तब सिचुएशन ये बन जाती। तब यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल है, इसको थीटा वन मान लेते, रिफ्रैक्शन 90 पे होता, यहाँ पर कोई थीटा टू एंगल मान लेते और यहाँ पर हम थीटा थ्री मान लेते, तब इस केस में हमारा तब हमारा आंसर कुछ ऐसे बनता है, मतलब क्या था वो रेशियो R2 by R1
इनटू एन थ्री बाय एन टू, ये था शायद साइन थीटा का, ये था ना यार, मतलब जब ये वन से ज्यादा आएगा तब आप ये रे डायग्राम, और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी चीज सॉल्व हो जाती है हमारी। अल्टीमेटली हमें ये एंगल बीटा निकालना है जो कि मैथमेटिकली आ जाएगी। बढ़िया है, यस सर, यस सर, चलो ठीक। वैसे इस असाइनमेंट के भी लगाओ, उसमें वाईडीएसी के अच्छे क्वेश्चन दिए थे हमने। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैविंग अ चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैविंग अ चार्ज कैपिटल क्यू, अनदर कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सेम रेडियस और अनचार्ज्ड। चार्ज क्यू का फर्स्ट कंडक्टिंग स्फीयर, सिमिलर साइज का अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, काफी दूर दूर है, मतलब एक दूसरे पर कोई इंडक्शन नहीं हो पाएगा, एंड दे आर कनेक्टेड बाय आइडियल इंडक्टर, द टू स्फीयर्स आर नाउ कनेक्टेड बाय आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट हियर। Question clear? That switch will be closed at time t equal to zero. This switch will be closed at time t equal to zero, and at that time, charge on one sphere is plus q, charge on the other one is zero. And it, कोई current भी नहीं है इसमें. Switch बंद करते वक्त inductor में कोई current नहीं है. Information पूरी clear है? Yes, yes, yes. Now, find the time after which. Find the time after which charge on both spheres are equal. Charges on both spheres are equal. Find the time after which charges on both spheres are equal. इंटरैक्शन बिटवीन स्फीयर्स को नेगलेक्ट करना है, पहले लॉजिक बताना पड़ेगा आपको कि क्या करना चाहिए इसमें। दोनों को कैपेसिटर मान ले और एलसी सर्किट, हाँ ठीक है, सही है। तो कैपेसिटेंस क्या मानेंगे इसकी, अगर हम इसको कैपेसिटर मान लें, हाँ ये वाला कंसेप्ट हुआ, अ सिंगल स्फीयर इज अ कैपेसिटर एंड द कैपेसिटेंस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, अनदर कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दो कैपेसिटर्स हो गए, एक में चार्ज है एक में चार्ज नहीं है, और उनको इंडक्टर से कनेक्ट किया जा रहा है, तो बेसिकली ये एलसी सर्किट का प्रॉब्लम हुआ। तो एक कैपेसिटर जिसके ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज मान सकते हैं, एक दूसरा कैपेसिटर जिसपे जीरो एंड जीरो चार्ज है,
एंड एक इंडक्टर के थ्रू इनको आपस में कनेक्ट किया जाए। मतलब ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सेम ही प्रॉब्लम्स हैं, बस उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट था। तो इसमें और ये स्टेटस टाइम टी इक्वल टू जीरो पर है, तो कुछ टाइम के बाद अब दो तरीके हैं, या तो एलसी सर्किट का रिजल्ट याद हो तो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कम टाइम में, ये नहीं याद है तो डेरिवेशंस करो। मतलब कि टी सेकंड्स के बाद हम ये मान लेते हैं आफ्टर टी सेकंड्स कि इधर वाले कैपेसिटर पे प्लस ऑफ क्यू चार्ज आया, इस पर माइनस क्यू चार्ज आया, तो इस अदर कैपेसिटर पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज तो इधर अगर प्लस क्यू का चार्ज था और इस वाले प्लेट से वाया इंडक्टर लेफ्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट से वाया इंडक्टर राइट कैपेसिटर की राइट प्लेट कनेक्टेड है, तो राइट वाली प्लेट और लेफ्ट वाली प्लेट के टोटल चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू होनी चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर प्लस स्मॉल क्यू दिखा दिया है तो यहाँ पर कॉस प्लस ऑफ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, एंड इतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव में यहाँ दिखाओगे। और मान लेते हैं कुछ आई करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा, केवीएल क्या बनेगी यहाँ पर लूप इक्वेशन जब इसमें बनाएंगे, इस सर्किट में लूप इक्वेशन टाइम टी सेकंड्स पर, अब मैंने तुम लोग बोल ही रहे हो कुछ ये तो भूल चुके हो सब। ये सही है सर, ये है केवीएल ये है, और हम लोग यहाँ पर हमें टाइम पूछा है, एक्चुअली टाइम पूछा है कि कितने टाइम बाद चार्ज आधा आधा हो जाएगा, तो हमें उसके लिए चार्ज और टाइम का रिलेशन चाहिए। चार्ज और टाइम का रिलेशन यहीं से निकाल के लाओगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, तो डी टू आई अपॉन डी टी टू विल बी माइनस टू अपॉन एल सी, और यहां पर एक डी क्यू बाई डी टी टर्म आएगा उसको आई लिख सकते हैं। ये वैसे भी डेरिवेशन जब एलसी का किया था तब भी ऐसे ही किया जाता था, और ये SHM नहीं होगा LC सर्किट में, वैसे भी ऑसिलेशंस ही होती है, तो यहाँ पर भी SHM आएगा यानी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। तो करंट I को हम लिख सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा, ओमेगा ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 बाय LC एंड प्लस सम फेज कांस्टेंट फाई नॉट SHM के हिसाब से। एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा यानी कि मैक्सिमम करंट कितनी होगी ये निकालना होगा मुझे। करंट मैक्सिमम होने की कंडीशंस क्या आएंगी यार वैसे, मतलब जिस टाइम पर करंट मैक्सिमम होगा वो कंडीशन क्या होगी? di/dt 0 तो व्हेन करंट इज मैक्सिमम di/dt 0 एंड व्हेन di/dt 0 स्मॉल क्यू कितना आएगा देखिए जरा, एट द मैक्सिमम करंट मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टी di/dt 0 करस्पोंडिंगली स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, इसका मतलब जब ये बराबर बराबर चार्ज हैं तो बेसिकली वो मोमेंट जिस मोमेंट पर इनके चार्जेस बराबर हैं वो मोमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू का मोमेंट है, और करंट स्टार्टिंग में जीरो थी, तो करंट जो कि जीरो वैल्यू से थी और अपने मैक्सिमम वैल्यू पर चली गई है अकॉर्डिंग टू अ साइन फंक्शन, तो ये कितने टाइम में हुआ होगा, ये होगा टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशन के 1/4 पीरियड में। भाई साइनसॉइडल ऑसिलेशंस हैं तो साइन का फंक्शन जीरो वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में जो टाइम देता है वो टोटल टाइम का 1/4 होगा। मतलब क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आपसे बता दिया गया है कि इनके बराबर बराबर चार्ज आ गए, तो बराबर बराबर चार्ज बेसिकली तभी आएगा जब आई मैक्सिमम होगा, और स्टार्टिंग में आई जीरो, सो जीरो से मैक्सिमम जाने का t/4 टाइम होता है, और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2π/ओमेगा करके।
और ओमेगा ये आएगा, ये 2/LC ओमेगा स्क्वायर है, यहां से अपना आंसर आ जाएगा। तो बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस सर। यस और इसमें C की वैल्यू रख दीजिएगा, कैपेसिटेंस 4πε0 A स्फेरिकल कैपेसिटर वाला फॉर्मूला लगा के। एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं ये। इसमें ये कह रहे हैं कि दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, टू कैपेसिटर C1 और C2, C1 इज 10 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू दी गई है इसमें 12.5 माइक्रोफैरेड। C1 का ब्रेकडाउन वोल्टेज, C1 की ब्रेकडाउन वोल्टेज 130, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 130 है और इसके इनसाइड एक डाई इलेक्ट्रिक है, C1 में एक डाई इलेक्ट्रिक है और उस डाई इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस भी है। कैपेसिटर C1 फिल्ड विद अ डाई इलेक्ट्रिक हुज रेजिस्टेंस इज 10⁻¹⁹ ओम। C2 12.5 माइक्रोफेरेड हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज 170 and filled with a dielectric of resistance 4 × 10⁻¹ ohm. Done? यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes sir. Information clear है? Information clear. Last question कह रहे हैं what maximum voltage can be applied across A and B? What maximum voltage can be applied across A and B? मतलब कि यहाँ पर अगर हम एक बैटरी कनेक्ट करें तो ब्रेकडाउन का फिनोमिना ना हो उसके लिए बैटरी मैक्सिमम कितने वोल्ट की ले सकती है? ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो जिसमें डाइइलेक्ट्रिक की रेजिस्टेंस भी दी जा रही है। इसका डायलेक्ट्रिक के रेजिस्टेंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये बताएं। डायलेक्ट्रिक का जो रेजिस्टेंस है उसको यूज कैसे कर सकते हैं? सर एक अलग से रेजिस्टेंस मान के, मतलब सर जो कैपेसिटर है उसके उसका जो रेजिस्टेंस उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसको ब्रेकडाउन के ऊपर करना पड़ेगा दोनों के। हाँ, तो जो डायरेक्टर का रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटर के साथ हम सीरीज में मानेंगे या पैरेलल में मानेंगे? जैसे यहाँ पे जो डायरेक्टर के मटेरियल भरेंगे उसमें जो रेजिस्टेंस है तो उसके रेजिस्टेंस को हम C1 के साथ सीरीज में ऐड करें
या फिर C1 के साथ पैरेलल में ऐड करें। बस यही इसका की पॉइंट है, ये समझ गया तो प्रॉब्लम आसान है। पैरेलल में क्योंकि सर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों के लिए, सर सेम पॉइंट पे अबाउट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बिकॉज़ डाइइलेक्ट्रिक भी लेफ्ट और राइट प्लेट के बीच में ही है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस डाइइलेक्ट्रिक के रेजिस्टेंस में भी होगा। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से हम ऐसा मान सकते हैं कि C1 के पैरेलल में एक रेजिस्टर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ऐसे दिखा सकते हैं, C1 एंड अ रेजिस्टर इन पैरेलल टू इट R1, then C2 another resistance in parallel to C2 R2। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से होता तो ये आसान हो जाता। R1 10 to the power 9 ohm है और R2 की वैल्यू 4 into 10 to the power 9। अब इसके बाद एक और पॉइंट आएगा ना, बिकॉज जो बैटरी आप लगाओगे अब ये बेसिकली RC सर्किट हो गया, तो स्टडी स्टेट, बिकॉज RC सर्किट को जब कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो हम मान के चल रहे होते हैं कि सब कुछ स्टडी स्टेट पर आ चुका है, और स्टडी स्टेट जब आया होगा तो बैटरी से कुछ करंट जरूर जारी होगी, और करंट का जो पाथ बन रहा होगा स्टडी स्टेट के टाइम पर कैपेसिटर्स के थ्रू तो जाएगा नहीं करंट, तो जो भी करंट है उसको हम R1 और R2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट वाया R1 R2 एंड देन बैटरी स्टडी स्टेट पर, कैपेसिटर्स के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगी ना, इस करंट को भी निकाल सकते हैं कितना आएगा, करंट एट स्टडी स्टेट विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और फिर क्या करेंगे, क्योंकि R1 C1 पैरेलल में लगे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना R1 में होगा एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C1 का भी होना चाहिए, तो C1 का पोटेंशियल डिफरेंस I मल्टीप्लाइड बाय R1, सो दिस इज I मल्टीप्लाइड बाय R1, यानी कि VR1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड शुड बी लेस देन 130, एंड सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 वो जाएगा VR2 अपॉन R1 प्लस R2 लेस देन 170, ब्रेकडाउन बचाने के लिए, और इनका जो इंटरसेक्शन पार्ट आएगा वो दो इनइक्वलिटीज आएंगी, एक ये इनइक्वलिटी एंड ये, तो देख ले दोनों से आंसर क्या बनता है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। 212.5 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ओके इन दोनों को सॉल्व करके इसका मतलब ये बताओ कि अगर 212.5 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं यहाँ पर, 212.5 से ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर होता है तो ब्रेकडाउन किसका होता है इसमें, C1 का या C2 का? C2 का, C2 का, जबकि उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा है 170, ब्रेकडाउन वोल्टेज इसमें ज्यादा है, मतलब फिर भी हम ये क्या कह रहे हैं कि जब 212.5 से ज्यादा, मान लो 220 वोल्ट लगाएंगे तो पहले यही ब्रेकडाउन कर जाएगा बाद में ये ब्रेकडाउन करेगा, यानी आप ये भी कह सकते हो कि जिस कैपेसिटर के डाइइलेक्ट्रिक की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसका ब्रेकडाउन पहले मिलेगा आपको, कह सकते हैं ना इसको, यस सर, बिकॉज जो इनके पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं वो R1 और R2 पे ही तो डिपेंड कर रहे हैं, बिकॉज R2 ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा, तो जहां ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसी का ब्रेकडाउन होगा पहले, हटा रहे भाई इसको, yes. Yes.
देखो इसमें एक कंडक्टिंग लूप है और ये एंगल आपका 120 डिग्री है, बट और रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विच इज 120 डिग्री एंगल, रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन इज 5 ohms, एंड रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग 240 डिग्री एंगल, रिमेनिंग 240 डिग्री एंगल का रेजिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये रेजिस्टेंस आपका 2 ohm दे रहा है. टोटल एरिया ऑफ सर्कल वो गिवन है 0.3 meter square. टोटल एरिया ऑफ सर्कल इज 0.3 meter square. और सेंटर पर एट द सेंटर पॉइंट दिस इज एमिटर, एट द सेंटर पॉइंट देयर इज ए एमिटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ohms. At center there is the emitter of resistance 0.5 ohm. और ये जो wires हैं इनमें कोई resistance नहीं है, मतलब AC wire और BC wire में resistance नहीं है, but center पर एक emitter है negligible size का, उसके emitter के resistance 0.5 ohm. Now magnetic field यहाँ पर present है, let's say inward direction में, and that magnetic field function of time है 0.4 multiplied by small t, 0.4 into t, magnetic field is 0.4 into t, small t, t is the time, small t is time, मतलब time के proportion में magnetic field चल रही. Question है what will be the reading of emitter, what is the reading by emitter. एक मिनट का टाइम है, सोचो इसमें क्या करना चाहिए. आ रहा कोई थॉट कैसे करना है इसको सर? पहले मतलब सर फ्लक्स निकाल के डी फाइव बाय डीटी करेंगे, उसका बीसी वो 120 वाले का अलग करेंगे, तो सर वो ए वो सर वो 5 ओम के अबाउट वो आ जाएगा ईएमएफ, और जब उस वाले पार्ट का करेंगे तो 2 ओम के अबाउट आ जाएगा, और सर ये दो बैटरी इन पैरेलल हो जाएगा कॉम्बिनेशन. मतलब इस स्मॉलर वाले मतलब टोटल एरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं 0.3 अगर है तो ये 1/3 एरिया हो जाएगा उसका. यस सर. और ये एरिया 2/3, मतलब आप कह रहे हो कि इस 1/3 एरिया के फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके इधर का ईएमएफ निकाल दे फैराडेज लॉ से, और 2/3 एरिया की फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके इधर का ईएमएफ निकाल दे अगेन बाय फैराडेज लॉ, और फिर उन दोनों ईएमएफ का क्या करें हम? सर फिर ये हो जाएगा ना टू बैटरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन.
two batteries in parallel combination. और इस 5 ohm और 2 ohm को उसका internal resistance मान ले. Yes sir. यही करेंगे. Yes sir. ठीक है. और कोई लोग जो कुछ और सोच रहे हैं? सर पहले से ये दो लूप की इक्वेशंस अलग अलग बना ले. केवीएल वाली. यस. तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर रहे हो आप सर्किट से जब भी सॉल्व करते हो कहीं पर भी. और इसको छोड़ दो आप नॉर्मल कोई सर्किट भी होता है अगर मान लीजिए बैटरीज के साथ यहाँ रेजिस्टेंस होती यहाँ बैटरी होता यहाँ रेजिस्टेंस होती प्लस ऐसे कुछ होता है तो हमको अगर कहा जाता बताओ करंट कितनी होगी जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये 12 है ये 8 है और ये 2 ओम ये 4 ओम ये 6 ओम तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं ना अपने हिसाब से कुछ करंट की डायरेक्शन ही मानते हैं आपसे भाई हम पहले अगर केवीएल भी लगाना है तो केवीएल लगाने से पहले हम ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर आई करंट होगा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उसके बाद हम केवीएल लगा देंगे इसमें तो यानी कि सबसे पहले आपको सर्किट्स में करंट का डायरेक्शन असाइन करना होता है लेफ्ट वाले में जैसे I1 करंट दिखा दे राइट वाले में I2 देखिए वो किधर इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में कुछ करंट होगी मान लेते हैं I1 या I2 जो कुछ भी मानते हो सपोज I1 करंट है और I2 करंट इस 2 ओम में है बट वो डायरेक्शंस क्या दिखाओगे एंटी क्लॉकवाइज हां ये आप लेंज लॉ से दिखा सकते हो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज कर रही है वो 0.4 × t तो लेंज लॉ का यूज कर सकते हैं ये करंट्स एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी I1 इज द एंटी क्लॉकवाइज करंट एज वेल एज I2 विल बी एंटी क्लॉकवाइज करंट ये करंट तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहां कोई अजम्पशन नहीं लेंगे लेकिन पॉइंट बी पर करंट कैसे दिखाएंगे बिकॉज करंट I1 गोइंग टुवर्ड्स पॉइंट बी है और उस पॉइंट बी के आगे वाले वायर में आप I2 करंट दिखा रहे हो जंक्शन लॉ लगाएंगे यहाँ पर भी कुछ करंट दिखाएंगे या तो इधर दिखाएंगे सपोज अगर इस तरफ दिखाते हो तो लिखोगे I1 - I2 और अगर इस तरफ दिखा रहे होते तो I2 - I1 लिख रहे होते तो यहाँ पर कोई भी चीज कर सकते हो या तो आप I1 - I2 टुवर्ड्स सेंटर दिखाइए या I2 - I1 अवे फ्रॉम सेंटर दिखाइए दोनों का सेम आंसर है और अब हम केवीएल लगाएंगे यहाँ पर बट यहाँ पर थोड़ा से साइंस का प्रॉब्लम होता है प्लस माइनस के साइन कन्वेंशंस का दिक्कत तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली प्रॉब्लम्स के टाइम पर जब आप केवीएल लगाओ तो लूप की इक्वेशन को लिखते वक्त अलोंग द करंट ट्रेवल करें अलोंग दिस करंट तो हम अगर अलोंग द करंट I1 ट्रेवल करते हैं अलोंग करंट I1 तो केवीएल के हिसाब से यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ट्रेवलिंग अलोंग द करंट पोटेंशियल डिफरेंस वो लिखेंगे I1 मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस इसको R1 मान ले देन B से C की तरफ और C से वापस A की तरफ ये मेरा कंप्लीट लूप हो जाएगा A से B, B से C और C से A. तो A से B गए तो I1 R1 पोटेंशियल डिफरेंस B C A पे जब जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी I1 - I2 इनटू दिस रेजिस्टेंस इसको R3 मान ले एंड इक्वल टू मतलब KVL अलोंग दिस लूप शुड बी इक्वल टू टोटल EMF प्रेजेंट इन द लूप 1/3 डिवाइडेड बाय हाँ नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा कहा जाता था कि किसी क्लोज पाथ के लिए सारे पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन जीरो आता है वो केवीएल था लेकिन यहाँ पर पलट दिया उसको फैराडे ने उनका कहना था कि फॉर अ क्लोज पाथ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस शुड बी इक्वल टू d5/dt d5/dt इसका कितना आएगा d5/dt यानी EMF तो फ्लक्स निकाल सकते हैं टोटल एरिया पता है मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू टोटल एरिया का 1/3 है ये और इसका d/dt करेंगे तो जब d/dt करेंगे तो बेसिकली ये 0.4 टाइम्स a/3 आ जाएगा वो चेक करो यस ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई
सेकंड इक्वेशन जब इस 240 डिग्री वाले पार्ट में, तो ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू ए अलोंग आई टू, ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू ए अलोंग आई टू, आई टू इंटू आर टू, सो बी टू ए देन ए सी बी विच इज अगेंस्ट द करंट, सो माइनस इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दिस पोर्शन आएगा 0.4 इंटू 2a बाय 3 सेकंड इक्वेशन। और हमें सॉल्व क्या करना है, ध्यान रखना, हमें i1 माइनस i2 सॉल्व करना है। तो आगे हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए आंसर यार। यस भाई, ऊपर की पूरी इक्वेशन में आर टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, और नीचे के पूरे इक्वेशन में आर वन मल्टीप्लाई कर लीजिए, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो i1 माइनस i2 मल्टीप्लाइड बाय r1 r2 तो प्लस i1 माइनस i2 कॉमन एंड देन r2 r3 प्लस r1 r3 हेलो। यस सर, बोलो आया आ जाएगा ना आईवन माइनस आई टू? यस। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये बताइए। आरएचएस पे तो सब कुछ पॉजिटिव है, बट आरएचएस पर आर टू माइनस टू आर वन बता, आर टू ये आर टू है माइनस टू आर वन नेगेटिव ही आएगा। आई वन मैंने साइड टू से नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब सीधा से ये हो गया कि भाई ये करंट का डायरेक्शन गलत, इसका मतलब यहाँ पर करंट बी सी ए ना होकर के ए सी बी होना चाहिए था। सो ईएमआई वाले चैप्टर में अगर हम केवीएल लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस शुड बी इक्वल टू ईएमएफ प्रेजेंट इन दैट लूप। एक्चुअली केवीएल जो हम लोग पहले पढ़ते थे वो इसी का स्पेशल केस होता था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड जीरो आ जाता, अगर फ्लक्स कांस्टेंट होते तो राइट हैंड साइड जो कि डी फाइव बाई डी टी है वो जीरो हो जाता, अपने आप जीरो हो जाता। मतलब ये कह रहा हूँ, एक और इसका सिमिलर एग्जाम्पल दिखा दे, जैसे कि अगर सर्किट ये होता, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस यहाँ होती, आर थ्री आर टू आर वन एंड सपोज यहाँ पर एक बैटरी होती ऑफ सम ईएमएफ ई, तो इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कर सकते हैं यार इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कर सकते हैं। यस। क्या लिख रहे होते, मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारा
यहाँ पर I1 करंट हम दिखाते, इधर I2 दिखाते और यहाँ पर I1 प्लस I2, हालांकि इसको सीरीज और पैरेलल से भी कर सकते बट फिर भी। तो अगर हम इस I1 के अलोंग चले तो यहाँ पर लिखेंगे I1 R1 ट्रेवलिंग अलोंग दिस I1 ऐसे, और फिर ऊपर चलते तो यहाँ पर माइनस ऑफ E एंड और ऊपर चलते तो प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय R2, और इसकी वैल्यू को हम KVL के हिसाब से जीरो कर रहे होते, राइट हैंड साइड पे जीरो कर देते, यही काम करते हैं यार इसमें। यस ठीक, बट अगर इसी सर्किट में सर्किट सेम रखो, आप सब कुछ एज इट इज रखिए और ये कह दें कि जो ये इधर वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसके अंदर एक A1 एरिया के अंदर A1 एरिया में एक B1 मैग्नेटिक फील्ड है और इधर हमारा A2 एरिया के अंदर B2 मैग्नेटिक फील्ड है एंड सपोज वो डॉट डायरेक्शंस में, इधर कुछ एरिया है जिसमें A1 एरिया में B1 मैग्नेटिक फील्ड, इधर A2 एरिया में B2 मैग्नेटिक फील्ड और दोनों ही फील्ड इंक्रीज कर रही है, B1 भी इंक्रीज कर रहा है और B2 भी इंक्रीज कर रहा है। So, dB1 by D2 की वैल्यू दे रखी है सपोज के 1 और dB2 by D2 की वैल्यू भी दे रखी है K2, दोनों पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। हमें क्या काम करना है, सर्किट्स के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो आप जैसे KVL लिखते हो वैसे लिखते रहिए, बस राइट हैंड साइड जीरो नहीं लिखेंगे। यानी कि अब क्या करना चाहिए देखो, सबसे पहले तो आप ये बताओ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करें, इस कॉमन ब्रांच को छोड़ दीजिएगा, जहां पर दो लूप हैं, दो लूप की कॉमन ब्रांच इसको अभी छोड़ दे, कॉमन ब्रांच को हटा दीजिए, बाकी के पोर्शन में लेंज लॉ के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज करंट I1 दिखा दे, कॉमन ब्रांच को छोड़ करके बाकी के पोर्शन में लेंज लॉ के हिसाब से करंट दिखा दे, राइट वाले लूप में लेंज लॉ अप्लाई करो, राइट लूप में लेंज लॉ क्लॉकवाइज I2, और जो कॉमन ब्रांच है वहां पर जंक्शन रूल लगे, कॉमन ब्रांच छोड़ करके बाकी के ब्रांचेस में करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ रिप्रेजेंट करिए, और जो कॉमन ब्रांच है वहां पर लेंज लॉ अप्लाई करो, वहां पर सॉरी किरचॉफ का जंक्शन रूल लगा दे, क्या करंट दिखाएंगे इसको, इस ब्रांच इधर I1 जा रहा है, इधर I2, यानी कि मिडिल ब्रांच होगी, अब लूप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ट्रेवलिंग अलोंग दिस I1 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ट्रेवलिंग अलोंग I1 R1 देन दिस बैटरी माइनस E ऊपर गए प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, बस अब RSS जीरो नहीं आएगा, अब RSS की वैल्यू इस पोर्शन के इंड्यूस EMF के बराबर होगी, जो कि A1 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि K1 रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एंड राइट वाले लूप में ट्रेवलिंग अलोंग दिस I2 ट्रेवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट डिटरमाइंड बाय लेंज लॉ ट्रेवलिंग अलोंग I2 R3 इधर गए फिर ऊपर गए माइनस E देन ऊपर गए प्लस EMF ऑफ दिस पोर्शन, इनको लेकर के सॉल्व किया जा सकता है। बोलो भाई। यस सर, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी EMI के चैप्टर्स में कि भाई KVL फैराडेज लॉ के साथ कैसे लगता है, और ज्यादा क्लैरिटी करने के लिए एक्चुअली ये मुझे पहले करना चाहिए था, अगर हम एक सिंगल सर्किट ही लेते हैं, जस्ट अ सिंगल सर्किट विद EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, नॉर्मल बेसिक सर्किट, कितना करंट दिखाते हो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे यहाँ पर करंट आई दिखाना होगा तो क्या लिखें? सिंपल सर्किट है, करंट आई लिखोगे आप इसमें ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर यही सिंपल सर्किट विद ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नाउ प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, सेम सर्किट इज प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, एंड सपोज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कोई भी केस मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है सपोज दैट माइनस की, क्या इक्वेशन बनाया? अब फर्स्ट सर्किट इज प्रेजेंट इन अ स्पेस विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड सर्किट इज प्रेजेंट इन अ स्पेस हैविंग सम मैग्नेटिक फील्ड विच इज चेंजिंग विद टाइम। क्या करें अब इसमें, केवीएल की इक्वेशन कैसे बनाए इसमें? सबसे पहला लेंज लॉ से देखो करंट की डायरेक्शन, यहां पर करंट की जो डायरेक्शन आप करंट का जो डायरेक्शन असाइन करोगे वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करोगे, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक। तो पहले लेंज लॉ से पता लगा लिया कि इसमें करंट एंटी क्लॉक पर जाएगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब उस करंट के अलोंग लूप को ट्रेवल करें, करंट की अलोंग लूप को ट्रेवल करिए, क्या बनेगा रिजल्ट देखिए। ट्रेवलिंग अलोंग दिस करंट, तो ऐसे जाएंगे प्लस से माइनस की तरफ यदि ई, देन इधर जाएंगे तो प्लस आई स्मॉल आर, एंड देन ऐसे करके ऐसे जाएंगे तो प्लस आई कैपिटल आर, इक्वल टू हो गया पूरा ना लूप के वियर। अब राइट हैंड साइड पर रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स यानी कि इंड्यूस ईएमएफ, इसके लिए हम ये मान के चलेंगे एरिया मेंशन होगा, सपोज एरिया इज कैपिटल ए, तो एरिया इनटू दैट के। अब यहां माइनस साइन ही लगाएंगे, जब हमने करंट की डायरेक्शन को असाइन किया है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ तो इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड रखी जाएगी सर, स्टेप क्लियर है? यस सर। हाँ जी, क्रॉस चेक कर सकते हो, सपोज के जीरो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा इस केस में, तो ऑटोमेटिकली मेरा आई जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। जिसका क्या मतलब हुआ नेगेटिव करंट आने का, मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज ना होकर के क्लॉकवाइज होगी, और वो एक्सपेक्टेड भी है, बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो इस बैटरी की वजह से होगा, और अगर इस बैटरी से करंट फ्लो करेगा तो वो नेचुरली क्लॉकवाइज ही फ्लो कर सकता है। सर क्लैरिटी आई कुछ? हाँ बताओ सर, पहले जब लिख रहे थे तो करंट की डायरेक्शन में लूप इक्वेशन जो लिख रहे थे उसको d5/dt के बराबर रख रहे थे, तो इसमें भी यही किया है, करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको भी d5/dt रखेंगे। हाँ तो सर d5/dt तो फिर माइनस के आएगा ना? नहीं, तो अगर ऐसे हम जाएंगे ना तो प्रॉब्लम एक और है, बिकॉज ईएमएफ माइनस d5/dt। अच्छा हाँ सर, तब तो फिर बट वो चक्कर ना पालो आप, इस माइनस के चक्कर से बाहर निकल जाओ। आपको करना सिर्फ एक ही काम है, जब आप करंट का डायरेक्शन लेंज लॉ से असाइन कर चुके हो तो आप ईएमएफ के मॉडुलस रखेंगे, सिर्फ इतना ध्यान रखना, वरना हम माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज एक ईएमएफ के फॉर्मूले में भी माइनस है, माइनस d5/dt, तो मैं उस माइनस प्लस से बाहर निकालना चाह रहा हूँ। आप सिर्फ एक काम करिए, करें देखो यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे, मैंने जो क्वेश्चन करवाया है, हमने एक जो नॉर्मल बैटरी होती है वो भी सर्किट में रखी हुई है और एक इंड्यूस ईएमएफ भी रखा है, इंड्यूस ईएमएफ प्लस आ नॉर्मल बैटरी, करंट का डायरेक्शन किसके हिसाब से देखना है मेरे को? लेंज लॉ से, करंट की डायरेक्शन है लेंज लॉ से। अगर हमारा सिंगल लूप है
तो लेंज लॉ से जो करंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन लेकर के उसी करंट के अलोंग लूप की इक्वेशन लिखी जाए और राइट हैंड साइड पर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रखा जाए। अगर हमारे मल्टीपल लूप बन रहे, मल्टीपल लूप दो लूप हो गए, तो जो मल्टीपल लूप की कॉमन साइड है उस कॉमन साइड को छोड़ दे और बाकी के ब्रांचेस में लेंज लॉ से करंट का डायरेक्शन असाइन करने के बाद कॉमन ब्रांच में जंक्शन रूल लगा करके करंट को देन करंट के अलोंग ट्रेवल करते हुए आप लूप की इक्वेशन लिखें एंड अगेन राइट हैंड साइड पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाएगा। अभी भी कंफ्यूजन है? समझ गए किसी को है मतलब ये पोर्शन क्लियर हो गया आप है? क्योंकि वैसे ईएमआई में ईएमआई में यही पोर्शन है जहां पर दिक्कत आ सकती थी, वो भी कंप्लीट हो गया। बाकी तो एलसी सर्किट कर सकता था, वो भी एक क्वेश्चन देखा हमने, और एलआर सर्किट वगैरह तो पढ़ पढ़ आप लोग वैसे भी कर लेते हो, बट थोड़ा ऑप्टिक्स पे ध्यान दो। जो असाइनमेंट आज गई है उसमें ज्यादातर वेटेज ऑप्टिक्स को दिया हमने, ऑप्टिक्स को और वेव ऑप्टिक्स को बेसिकली, और स्पेशली ऑप्टिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन जहां डबल लेंसेज हैं, लेंस प्लस मिरर है, टिंटेड फॉर्म में है, एंगल पर दिए गए हैं, वो थोड़ा सा बस डराते हैं। होते वो भी सिंपल से ही है लेकिन वो प्रैक्टिस हो जाने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। सर आंसर्स भेज दीजिएगा इस शीट के। हाँ वो भेजेंगे, अभी भेज देंगे आज वाली शीट के ना। यस सर। हाँ वो भेज देंगे, आंसर तैयार है, आंसर तैयार है, एक्चुअली उस टाइम नहीं भेजते, बस कुछ टाइम बाद भेजते हैं, प्रैक्टिस कर लो फिर भेज दें। ओके सर, एक वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए सर, जो लास्ट क्लास में आपने दिया था, जब वो नॉन इंस्टेंटेनियस होता है, नॉन इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस होता है।